सब्सक्राइब करिए दोस्तों रोड राइडर्स ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और साथ ही दबा दीजिए बेल का आइकन प्रोडक्ट रिव्यूज मोटरसाइकिल और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज मी एसके हेयर। स्वागत है आपका इंडिपेंडेंस राइड वीडियो में और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस राइड के बारे में आपको बता दूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं बरसों पानी करके एक जगह है जो कि गूगल मैप में अवेलेबल नहीं है। गूगल मैप में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो हमें बस थोड़ा मोड़ा रफ आइडिया है कहाँ पे है लोकेशन एक्चुअली। तो अभी बज चुके हैं दोस्तों 6:30 और सभी लोग ऑलमोस्ट शायद आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। आप लोगों से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उनको भी। तो ये है हमारा मीटिंग पॉइंट। दोस्तों, पहुंच चुका हूं अभी मीटिंग पॉइंट पर और सभी राइडर्स जो है आ चुके हैं और रेडी हो रहे हैं, फ्लैग्स लगा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं सबसे। ये है हमारे नए राइडर। हेलो, आपका नाम? अभिजीत। अभिजीत, तो ये हमारे साथ आज पहली बार राइड करने वाले हैं, तो बड़ा मज़ा आने वाला है, देखते हैं। परान भाई, एफ मोटो। पिछला बार एक राइड किया था हम लोगों ने तिलैया डैम का राइड, वो वीडियो भी आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ आपको कब से कि आएगा, लेकिन कुछ कारण से एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी आएगा वो वीडियो भी। हाय, दिस इज सुमित सिंह। तो सुमित भाई, जो हम लोगों के साथ बहुत सारा राइड कर चुके हैं, 3-4 करीब हो गए क्या? और मैं आपको स्पेशल गेस्ट से मिलाता हूँ आज, अनु जी। अनु साहू। और आपका इंस्टाग्राम वगैरह बता दीजिए। नहीं है इंस्टाग्राम, नहीं है। और ये सर हमारे टीटू भाई, सबको जोहार। बिजी सनी भाई, फॉलो मी इन इंस्टा LS, ऑफिशियल LSK स्पेस ब्लॉग। तो ये नया इनका यूट्यूब चैनल है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इनका जो चैनल है, इनको तो सबको जानते होंगे। अफरीदी भाई, ये ये हमारे साथ है। क्या मतलब? हर्ष भाई है। लास्ट राइड में शायद आप लोगों ने देखा होगा इनको, वो देखिए एक बंदा चुटबुला बंदा जो है हमारा। नाम बता दो भाई। क्षितिज ऐसा मैंने। और ये है सॉरी का, नाम बता दो भाई। तो ये मैंग भाई है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं राइड पे और आज मैंने जैकेट नहीं पहना है क्योंकि वेदर कंडीशन क्लाउडी है, जिस वजह से कभी भी रेनकोट पहनना पड़ सकता है। तो जैकेट में रेनकोट पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो इट वॉज ड्रिजलिंग अ बिट, सो हम लोगों ने भी रेनकोट पहन लिया है ताकि आगे जाके फिर रुकना नहीं पड़े, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अचानक से बारिश आ जा रहा है। था वो तो बड़ा ही मनमोहक था, लेकिन एक समय के बाद बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि हम लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि जो पानी है वो हम लोगों के जूते के अंदर जा रहा था और हमें अभी काफ़ी लंबा राइड करना था, इस वजह से हम लोगों ने रुकने का फैसला किया।
ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों को अनुज जी को गुड बाई कहना पड़ा, क्योंकि वो पतरातू डैम वहाँ तक उनका जाने का प्लान था हम लोगों के साथ, तो वहाँ से वो फिर वापस चली गई। उसके बाद फिर हम लोग आगे चल पड़े और उरी मारी करके एक जगह है, उरी मारी के बाद जो रोड कंडीशन था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगा। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग के बाद रोड कंडीशंस बेटर होने लगे और जो व्यू था वो बड़ा ही बेहतरीन था, पहले से भी बहुत बेहतरीन व्यू मिल रहा था। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो था वो था उरी मारी से बड़कागांव पहुंचना, और रोड तो खैर बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी अगर आप गूगल मैप में चेक करें तो आपको 1 घंटा 10 मिनट जैसा बताएगा, क्योंकि बीच बीच में जो रोड कंडीशन है वो ख़राब है, तो उस हिसाब से इस 28-29 किलोमीटर को कवर करने में करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का समय जो है वो लग जाता है। बड़कागांव से जो रोड की कंडीशन थी वो पूरी तरह से ख़राब थी, किसी तरह से जो हम लोग है बाइक चला रहे थे और रोड बारिश होने की वजह से काफ़ी स्लशी हो गया था और टायर्स फिसल रहे थे पूरी तरीके से। फरहान भाई की जो स्कूटी है वो भी बंद पड़ रही थी बीच बीच में।
दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं कि बरसों पानी का जो बोर्ड है वो हमें मिल गया है, तो यहाँ से हमें लेना है राइट। किसी तरह से हम लोग बरसों पानी तक पहुंच गए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बरसों पानी और जो व्यू है यहाँ का वो तो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ तक जो है पहुँचते पहुँचते हम लोग की हालत जो ख़राब हो गई, थोड़ा देरी मैंने रेस्ट किया यहाँ पे। तो ये बेसिकली दोस्तों जगह बरसों पानी, और यहाँ पे जैसे आप क्लाइंब करते हैं तो बस जो पानी का बहाव है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो यही है लोकेशन, और रांची से करीब करीब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन जो 100 किलोमीटर है उसमें से करीब करीब 20 किलोमीटर ऑफ रोड है। तो सनी भाई कैसा लग रहा है? एकदम सही। और बाकी लोग बताओ कैसा लग रहा है? पूरा मजा, फुल्ली ऑफ रोडिंग, इतना मस्त ऑफ रोडिंग कहना ही नहीं है। भाई कभी आ जाओ ट्रैकिंग पे। लौटते वक्त मैंने कैमरा बैग में रख लिया था क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी और बारिश भी काफ़ी हो रही थी। तो रवि भाई ने कुछ रिकॉर्डिंग की थी, तो इस तरह का जो था माहौल था आते वक्त। जो हिल्स थे वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, पहले से भी ज़्यादा। और शाम को करीब 6:30 बजे हम लोगों ने लंच और डिनर दोनों एक साथ कर लिया ढाबे पर। तो इसी तरह से जो है हमारी इंडिपेंडेंस राइड कंप्लीट होती है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो को देख के मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।